हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना मेल खोलिएगा। जब आप मेल तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये सिक्स डॉट्स, ये सिक्स डॉट क्लिक करेंगे हम लोग सिक्स डॉट्स पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन आएगा, ये गूगल शीट है, गूगल डॉक है, ड्राइव खोल लीजिए। ड्राइव पे जाने के बाद हम लोग यहाँ न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जैसे जाएंगे यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म दिखेगा, दिख रहा है। हम यस लोग मैम, ऐसे गए, समझ में यस आया? हाँ, तो हम लोग कैसे गए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, मेल पे गए। मेल पे जाने के बाद जैसे हम लोग ड्राइव पे चले गए, ड्राइव पे जैसे गए फिर यहाँ से हम लोग न्यू में जाके हम लोग गूगल फॉर्म पे गए। तो जैसे गूगल फॉर्म पे जाएंगे आपका इस तरह से एक खुल जाएगा। अब ये है कि इस पे आपको डिजाइन करना है, इस पे आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है कि आपको क्या चाहिए एग्जाम में, कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो शायद फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम तो कुछ प्रॉब्लम भी आई होगी। हो सकता है कि आप बिना भरे नेम बिना भरे आगे बढ़ रहे हो, तो सबमिट ना हो रहा हो, और ब्रांच बिना भरे आगे बढ़ रहे हो, सबमिट कर रहे हो, ना हो रहा हो, इस तरह से प्रॉब्लम मैम, आई पहले होगी ऐसा भी शायद था कि एक का तीन फर्स्ट चार टाइम में। ठो नाम आपको था, मतलब एक का तीन चार नाम था मतलब? जो सबमिट किया ना, उसके बाद जब रिजल्ट आया उसमें तीन चार ऐसा नाम एक ही। हाँ, वो इसलिए होता है सबमिट करने के बाद, एक मतलब एक का तीन चार नाम इसलिए आता है कि देखिए क्या होता है, मतलब आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं ना गूगल फॉर्म पे दे रहे हैं, और आपका जो क्वेश्चन आता है इसी पे आता है। जैसा आपका क्वेश्चन आता है हम लोग सेम टू सेम यहाँ डिजाइन करेंगे, बस आप लोग देखते जाइएगा। और जैसे हम लोग मतलब बता रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने दिया होगा, बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत आई होगी कि हो सकता है कि वो जल्दीबाजी में अपना नाम डालना भूल गया हो या ब्रांच डालना भूल गया। दो तीन चीज पूछता है ना, नाम पूछता है, ब्रांच पूछता है, और कॉलेज का नाम। तो ये कॉलेज का नाम तो खैर आप लोग को शायद चूज करने आता है, तो ये दो तीन चीजें रहती हैं। तो आप लोग मतलब क्या हो, शुरू में हुआ होगा जैसे हमको लगता है कि कोई जल्दीबाजी में वो छोड़ दे रहा होगा तो वो सबमिट नहीं ले रहा होगा, ये चीजें हैं। और क्या होती हैं कि और कुछ लोग इतना ज्यादा स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट बोलिए या फिर मतलब कि आप ये सोच के कि शायद मेरा एग्जाम सबमिट ना हुआ हो, ये भी रीजन होगा। कुछ लोग एग्जाम देने के बाद ना टाइम बचता है तो दोबारा उसको मतलब दोबारा देते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि जा ये तो हम गलती कर दिए थे, तो गलती करने के बाद वो क्या करते हैं, दोबारा शायद एग्जाम देते होंगे। इसलिए जब रिजल्ट आता है ना तो उनका क्या रहता है, एक आदमी का दो तीन नाम रहता है। तो खैर वो सब भी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है कि आप लोग मतलब इतना ज्यादा भी बुरा हो, इसीलिए एक दो लोगों का मतलब किसी किसी लोगों का दो तीन बार नाम आता है। उसका एक ही रीजन है कि वो बंदा मतलब एक से ज्यादा बार एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है, एक से ज्यादा बार वो एग्जाम दे रहा है, लेकिन ऐसा एग्जाम का होता है। वो बाकी मार्क्स लोग तो में से एक ही कुछ होगा, एक ही रहता है ना। होंगे एग्जाम देते होंगे बार बार। जैसे आपने सबमिट किया और आपको लगा कि नहीं शायद हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, इसका आंसर ये होगा, या ये हो सकता है कि बाद में आपने चेक किया और आपके पास समय है, मतलब अगर वो फॉर्म एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही टिक किया, तो आपका ऑब्वियसली ऐसा होगा वो कि उस जब आंसर शीट आएगी आपका दो नाम का दोनों का अलग अलग नंबर दिखेगा, क्योंकि हो सकता पहले आपने वो गलत किया और दूसरे में आपने वो क्वेश्चन सही कर दिया हो, तो वो अलग दिखेगा। खैर इस पे भी कंट्रोलिंग किया जा सकता है, इसलिए नहीं किया जाता कि थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है कि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी। इस पे भी कंट्रोलिंग है कि आप एक से ज्यादा बार उस फॉर्म को आप सबमिट ही नहीं कर पाएंगे, आपके आपसे वो बोलेगा कि नहीं आप मतलब आप ऑलरेडी उसको सबमिट कर चुके हैं, ये भी ऑप्शन है, लेकिन वो नहीं किया जाता आप लोगों के साथ। वो भी हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिखा होगा ये कहाँ से खुला। हम लोग ने ये गूगल फॉर्म खोल लिया और इस पे हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आप लोग का क्या रहता है, कोई बताएगा? सबसे पहला ऑप्शन क्या रहता है, पहला ऑप्शन मीन्स की सबसे पहला क्या मांगता है, नेम मांगता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो लिखा है ना यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम। अब देखिए, अब ये हमको सोचना है कि ये जो मेरा नेम होगा वो नेम
क्या होगा, मल्टीपल चॉइस होगा या शॉर्ट आंसर होगा या क्या होगा? तो जाहिर सी बात है नेम है, तो वो किसी का, माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। तो नेम है तो वो क्या होगा कि मल्टीपल तो होगा नहीं, हम लोग नाम को मल्टीपल में, क्योंकि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मल्टीपल में तो डालने तो डाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम टेकन है बनाने वाले के लिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक शॉर्ट आंसर के लिए लेते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ पे जैसे हमने नेम डाला ये लिख लिया यहाँ शॉर्ट आंसर, अगला क्या आता है आपका, कौन चाहता है, तो एक ऑप्शन और नीचे होगा, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है सबको, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, देखिए हम गूगल फॉर्म बना के भेज रहे हैं, ये गूगल फॉर्म आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ, जिसके पास भी कंप्यूटर है चार पांच ऑप्शन का गूगल फॉर्म बना के भेजिएगा, हमको भेजिएगा लिंक मेरे आईडी पे या जो भी समझ में आए, व्हाट्सएप पे जो भी समझ में आए, देख लीजिए इसको ध्यान से, ये जनरल चीजें हैं, अभी बहुत यूज हो रही हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए, आप लोगों को इसलिए बताए, आज वर्ड छोड़ के हम इसी को बता रहे हैं। ये शायद मोबाइल में भी बन फिर सकते हैं देखिए मतलब। अगला एक और ऑप्शन, वर्ड में नहीं, वर्ड में ऐसा नहीं बनेगा, वर्ड में आप बना तो सकते हैं, तो फिर आप उसको ये जो ऑनलाइन सबमिट होता है, क्या चीज ये बोल रहा है मोबाइल में भी बनता है। बोलिए, हाँ मैम मोबाइल में भी बनता है, बना हाँ सकते मोबाइल हैं। में भी बनता है, बिल्कुल बना सकते हैं, आप अपने मेल पे जाइए, अपने ड्राइव में जाइए, ड्राइव से जाके इसको बना सकते हैं आप, मोबाइल पे सब काम होता है, बना सकते हैं इसको। तो बनाया मैम, बनाया मैंने हाँ, एक है मेरे पास हाँ में। तो एक काम कीजिए, जिसने बनाया है अच्छी बात है, जिसने बनाया है उसके लिए भी, और जिसने नहीं बनाया उसके लिए भी, सब लोग एक एक फॉर्म बना के मेरा ईमेल, मेरे मैम जो ईमेल है आईडी पे मैं लिंक भेज दूँ भेजिएगा, देखते आपको। हैं क्या कहाँ तक आप लोग सकते हैं। हाँ भेज दीजिए, मेरा ईमेल आईडी दिख रहा आपका होगा, व्हाट्सएप में, MINU, दे देते हैं। हाँ ठीक है मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, हाँ मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, चलिए ठीक है। देखिए बाकी लोग के लिए यहाँ पे अब एक अगला ऑप्शन ऐड होगा, इसके लिए ये प्लस सिंबल दिख रहा होगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक नया ऑप्शन खुल गया, अब हम लोग यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, क्या लिखना है, ब्रांच आता है नहीं आपका, हाँ ब्रांच आता है, ब्रांच लिखिए BRANCH, ठीक है। अब ये ब्रांच, ब्रांच में आप क्या डालना चाहते हैं, आप लोगों के लिए शॉर्ट आंसर आता है, ब्रांच भी हम लोग इसको बना सकते थे, हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिख रहा है, ये ऑप्शन ये जो दिख रहा है ना, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ हमको कैसा चाहिए, हमको शॉर्ट आंसर चाहिए, तो हम इसको शॉर्ट आंसर ले लेंगे, ठीक है। अब फिर नेम हो गया, ब्रांच हो गया, इसके बाद क्या आता है, कॉलेज कॉलेज नेम, हाँ फिर हम लोगों ने ऐड किया प्लस के थ्रू, हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉलेज नेम। अब देखिए कॉलेज नेम के बाद, कॉलेज नेम में जो आप लोग को दिया जाता है वो ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन रहता है, उसको हम लोग ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस का है, मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं, जो भी कॉलेज है, तीनों कॉलेज का नाम, यहां हम लोगों ने ऑप्शन डालना शुरू किया, SIP डाले, एक और बढ़ेगा, एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ना ऐड, हमने क्लिक किया, यहाँ पे भरी है दूसरा कॉलेज का नाम, फिर हमने भरा, ये हमारा हमको लगता है कि नहीं, ये देखिए एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको हमको हटाना भी है, तो फिर हम लोग ये क्या करेंगे, अगर बढ़ जाता है क्रॉस कर देंगे, अगर हमको लगेगा कि नहीं ये भी गलती से आ गया हमको डिलीट करना है, तो देखिए जैसे ये क्रॉस में जाएंगे ये रिमूव हो जाएगा, और मैम ऐड सेंड करने कर के देंगे। लिए, हाँ ओके चलिए देख लेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो भी लिखना है हमने लिख दिया। अब एक चीज और देखिए, हमने ये तीन ऑप्शन तो फिलहाल जो जनरल चीजें थी वो बनाया, हमने नेम लिया, ब्रांच लिया, कॉलेज नेम लिया, तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें
अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा कि जो भी जैसे आप जैसे कोई भी लोग अगर सबमिट करेंगे इसको, अगर नाम नहीं भरेंगे और ब्रांच नहीं भरेंगे तो भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये नहीं पता चल पाएगा कि ये किस बंदे का है। इसलिए हम लोग इसमें एक ऑप्शन लगाते हैं कि ये कंपलसरी हो जाए, इसको भरे बिना कोई मतलब इसका आंसर दिए बिना कोई आगे ना बढ़ सके, इसको कंपलसरी बनाना है। तो यहां देखिए एक दिख रहा होगा रिक्वायर्ड, दिख रहा है ना रिक्वायर्ड, इसको हम लोग ऑन कर देंगे। इस रिक्वायर्ड को ऑन कर देंगे, इसका मतलब हो गया जैसे हम लोग अगले ऑप्शन में आएंगे, देखिए यहाँ स्टार मार्क हो गया। जब आपको भी फॉर्म आता होगा, जब गूगल फॉर्म पे आप एग्जाम देते होंगे, तो स्टार मार्क का मतलब हो गया कि मैंडेटरी है ये, आप मैंडेट इसको बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, कंपलसरी है। ऐसे भी बहुत चीजें, ये तो गूगल फॉर्म की बात हो रही है, और भी कहीं पे बहुत आपने देखा होगा कि जो मैंडेटरी होता है जनरली वहां पे स्टार मार्क लगा रहता है, इसका मतलब उसको भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, अपने हिसाब से मैंडेटरी कर दिया, इसलिए कर दिया कि कोई लड़का अगर भूल जाए, कोई नाम ना डाले और आगे बढ़ जाए तो भी ये सबमिट हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा कि किसने सबमिट किया है। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ब्रांच को भी कंपलसरी कर दें तो बस इसको भी ऐसे ऑन कर देंगे और इसको भी हम लोग ऐसे ऑन कर देंगे। तो ये तीनों जो हो गया ये हमारा कंपलसरी हो गया। अब आती है क्वेश्चंस की बारी, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस टाइप करेंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको मतलब कि मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा। आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, अगर हम चाहें तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, वही डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी का डालना हो तो भी हम ले सकते हैं, उसके लिए हमको ऑप्शन लेना पड़ेगा, यही जो शॉर्ट आंसर टेस्ट है इसके लिए लेंगे। जैसे मान लिया हम क्वेश्चन डालते हैं कुछ भी, कुछ आप लोग पढ़ रहे थे शायद अभी, तो फिर हम लोग इसका अगर इसका आंसर चाहें तो हम लोग इसको शॉर्ट आंसर ले लें तो शॉर्ट आंसर में आंसर आएगा, अगर हम लोग इसको चाहें मल्टीपल चॉइस में तो मल्टीपल चॉइस ले लें। इसको हम लोग, चलिए इसको हम लोग एक रख देते हैं शॉर्ट आंसर के लिए। ये क्या हो गया, इसका आंसर शॉर्ट आंसर देना होगा। इसी तरह फिर हम लोग अगला क्वेश्चन ऐड करें, इस पे हम लोग को जैसे अगर मान लिया हमने ऐसा क्वेश्चन दिया इसका आंसर हो मल्टीपल चॉइस, या फिर हम लोग इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि चेक बॉक्स हो, तो जैसे यहाँ डालते हैं, आप फॉर्म अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, इसको हम लोग ऑप्शन ही लेते हैं, चलिए मल्टीपल चॉइस। हमने जो भी आंसर लिया यहाँ पे जिसको भी हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से इसका मल्टीपल चॉइस बना लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चंस आपका, क्या बोलते हैं, ऐसे आपका आप इसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये मेरा फॉर्म है, अगर आप किसी को रजिस्ट्रे आप मान लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा,
आप फॉर्म अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपको, हम तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बना रहे थे, तो बताए कि आपका फॉर्म कैसे डिजाइन होता है। अगर मान लिया आपका, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, तो जैसे यहाँ पे मान लिया पूछेगा जेंडर, तो जेंडर के लिए क्या होना चाहिए? चेकबॉक्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सजेशन दे भी रहा है, तो यहाँ हम लोग अगर ऐड करना चाहें, अगर दे रहा है सजेस्ट, लगता है कि यही होगा तो ऐड ऑल कर देंगे। देख लीजिए इसका हम लोग, इसमें ये चेकबॉक्स आ गया, इसमें ये इस तरह का पूछेगा किसी को भी, जब हम फॉर्म जब हमारे सामने खुलेगा तो इस तरह से हम इस पर टिक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, एक शॉर्ट आंसर का है, चेकबॉक्स का है, मल्टीपल चॉइस का है। आप लोग जो यूज कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उसमें दो चीज यूज किया जाता है, एक तो शॉर्ट आंसर और दूसरा ये मल्टीपल चॉइस वाला हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन मतलब कि इसमें डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात या फिर ऐसे ही कहानी सुना रहे हैं आ रही है मैम, आ सबको? रही है मैम, सबको ना? हाँ, तो यस जिसको मैम। जिसको समझ में आ जाए तो एक फॉर्म डिजाइन करके भेज दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन बना के, ठीक हम देख लीजिए एक बार। है? तो हाँ, उसके बाद हम लोग इस तरह से इसमें ये तो ये बातें थी। अब चलिए इसका हम लोग टाइटल डाल देंगे। आपका क्या टाइटल आता है? आपका आता है ऐसे करके शायद, वीकली, वीकली टेस्ट, सॉरी यार, वीकली टेस्ट, और कि जो भी आता हो फर्स्ट हाफ ऐसे करके आता है ना, और यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी हेडिंग डालेंगे, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इस तरह से इसमें जो भी सब्जेक्ट डालेंगे यहाँ पे आप, वो आपका हेडिंग हो जाएगा, ये आपका वहां पे दिखेगा, ये मतलब यहाँ फॉर्म का हेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्म में जैसे आप लोग को जो दिया जाता है, यहाँ पे लिखा रहता है फॉर्म कितने, ये मतलब जो आपका एग्जाम होगा वो कितने नंबर का रहेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ आता है आप लोग के लिए। आप लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। आजकल टाइम 20 मिनट आता है और मार्क्स आता होगा, फुल मार्क्स जो भी है। ऐसे करके यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे फॉर्म का टाइटल क्या आएगा ये आप लोग डाल सकते हैं। तो जैसे हम फॉर्म का टाइटल कुछ भी डालें, वीकली टेस्ट करके, वीकली टेस्ट, और आज का डेट डाल देते हैं, तो आज का डेट है 15/1। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हेडिंग हो जाएगा आपके फॉर्म का। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, ये हम लोग फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितने भी क्वेश्चंस डालने हो हम लोग इसको अपने हिसाब से क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ये तो हुई ये बातें। अब थोड़ा सा इसको हम लोग वो करते हैं, कलरफुल बनाते हैं या फिर वो करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। तो इसके लिए ये जो दिख रहा है ना, ये कलर पीछे का, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, ये दिख रहा होगा कलर वाला, ये दिख रहा है, देखिए कलर वाला, इस पे जाएंगे, जो भी कलर आपको लगता हो, बैकग्राउंड कलर, थीम कलर, आप जो भी है आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये थीम कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये फॉन्ट का स्टाइल है, ये हम लोग जनरली बेसिक पे लिख रहे हैं, दूसरे फॉन्ट के स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड कलर और वो थीम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये तो इसको कलरफुल बनाने की बात थी, और ये हम लोग इसका कलरफुल बना के इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जो बनाए, इस तरह से आपका क्या होगा, एक फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्म तैयार हो गया। इसको अब ये है, अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको भेजेंगे कैसे, आप लोग के पास आता है ना एग्जाम का लिंक,
तो लिंक जनरेट कैसे किया जाता है, उस लिंक को भेजते कैसे हैं? तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए वो यहाँ पे लिंक पूछता लिंक भी है, कॉपी करके भेज सकते हैं हाँ आप उसमें, है लिंक जिसमें कॉपी करके भेज सकते हैं। तो आप लोग को जो भेजा जाता उसमें है वो क्लिक लिंक किया। कॉपी करके ही भेजा जाता है आप लोग के ग्रुप। हाँ ये देखिए, ये हाँ जो हाँ वो क्लिक लिंक, जैसा दिख रहा है ना, वो लिंक का ऑप्शन है। ये क्लिप जैसा दिख रहा है, ये क्लिप, हाँ इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, लिंक का लिंक जनरेट हो गया। इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और आपको जहां भी भेजना है, आप जहां भी भेजना है, आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, जहां भी भेजना है वहां पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो वो लिंक क्या होता है कि जनरेट हो गया, वो लिंक सेंड हो जाता है। हमने वही किया, इस लिंक को कॉपी कर लिया और आपको जहां व्हाट्सएप पे भेजना है व्हाट्सएप पे ग्रुप में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, वो सेंड हो जाएगा। हम उसके बाद हम इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो हमारा वो फॉर्म खुलेगा। ऐसे ही फॉर्म खुलता है आप लोगों में, देखिए हम लोगों ने जो भी किया था। हाँ तो ये फॉर्म खुल रहा है, अब ये आपका फॉर्म बन के तैयार हो गया। इसको फिर हम लोग वही आप लोग जो करते हैं आंसर, अगर कुछ भी लिखे जो भी करें, उसके बाद यहाँ पे सबमिट आता है, आप लोग सबमिट कर देते हैं। ये तो रही वो बातें, जनरल चीजें थी कि ये फॉर्म कैसे क्रिएट होगा। समझ में आया सबके कैसे क्रिएट होगा? यस मैम, सबके समझ में आ गया? यस मैम, बाकी लोग भी हैं यस मैम, और भी? हाँ यस मैम, तो कैसे क्रिएट होगा समझ आप लोग सबसे पहले मेल खोल लेंगे। मेल खोलने के बाद देखेंगे कि आप लोग, या फिर आप लोग भी अपना ड्राइव खोल लेंगे और वहां पे रहता है गूगल फॉर्म के लिए। और यहाँ पे जैसे हम लोग गए थे कंप्यूटर से मेल, कंप्यूटर पे क्या होता है थोड़ा आसान हो जाता है करना बनाना। और वहां से फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये ड्राइव में जाने के बाद हम लोग न्यू गए और न्यू में जाके गूगल फॉर्म खोले। गूगल फॉर्म खोलने के बाद हम लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट था हम लोग उस हिसाब से उस फॉर्म को डिजाइन किया हम लोगों ने। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इस फॉर्म को डिजाइन किया और उसके बाद इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया। ये तो अपने हिसाब से हो गया। और जैसे ये फॉर्म खुला था ना, चलिए तो हम लोगों ने फॉर्म डिजाइन किया उस अपने हिसाब से। मतलब जब हम लोग फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग जब ये मतलब हम लोग जब हम लोगों ने जब फॉर्म डिजाइन किया, हमने जब क्वेश्चन दिया आपको, तो इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो एक चीज और होगी कि इतने लोगों का कॉपी चेक करना, इतने लोगों का कॉपी चेक करना मुश्किल है। मुश्किल मीन्स कि सबको वन बाय वन आंसर सबका चेक करो, फिर उसका रिजल्ट मार्क्स कैलकुलेट करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शन है, हम लोगों के पास ये ऑप्शन है कि हम लोग इसका आंसर सेट करके रख सकते हैं, जैसा आप लोग के कंडीशन में किया जाता है। आप लोग जो एग्जाम देते हैं आंसर ऑलरेडी सेट रहता है, इससे क्या होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने में आसानी होती है, रिजल्ट यस मैम, निकालना ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर हम लोग पहले से सेट करेंगे। काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ढंग का बना लेते हैं तभी। चलिए क्वेश्चंस पुराना है, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं तो शायद क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और आसान भी हो जाएगा। और आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि अगर आप क्वेश्चन पहले से टाइप करके रखे हैं ना, तो गूगल फॉर्म बनाना ज्यादा आसान होता है। अगर आप पहले से वर्ड वगैरह में क्वेश्चन बना के रख लीजिए तो गूगल फॉर्म बनाना ज्यादा आसान होता है। ये हमारा फॉर्म है, हम लोग एक काम करते हैं उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह टाइप कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि काम मतलब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। चलिए देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन पहले से टाइप करके रखे हैं ना, तो आपका गूगल फॉर्म बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। तो जैसे आपका, हमने ये सब चीज डाल दिया, मान लिया ये सब चीज हम लोग डाल दिए और हम लोग क्वेश्चन है ना, तो बस आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए और क्या कीजिए, बस वहां पर पेस्ट कर दीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहां पर पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी बन भी जाएगा और टाइम कम लगेगा। तो वहां पर एक एक क्वेश्चन को टाइप करना, वो टाइम टेकन भी है,
इसका हम लोग चेंज कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस ये हम लोग पेस्ट कर दिए। इसी तरह से दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। 1 मिनट। तो आप लोग भी बनाइएगा गूगल फॉर्म, देखें क्या कितना समझ में आया। चलिए इसको इतना रहने देते हैं इसको। हम लोग अब क्या है कि इसका हमको आंसर सेट करना है। इसका आंसर सेट कर दिया जाए कि कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इसका आंसर कैसे सेट करेंगे? ऐसे जाएंगे, सॉरी आप लोग इसमें, सॉरी सही था, हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। ये देखिए यहाँ सेटिंग्स है, इसमें हम लोग जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप लोग इसको यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ना, क्विजेस, इस पे क्लिक कीजिए। इसको इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्विज टाइप बना रहे हैं। तो क्विज में क्या होगा, हम आंसर देंगे और वो क्या होगा कि तुरंत क्या बोलते हैं हमको, मतलब हम जो भी देंगे रिजल्ट हमको तुरंत दिखाएगा। हम इसको क्विज टाइप बना दे रहे हैं, ठीक है। हमने बस यहाँ से क्विजर को ऑन कर लिया, इसको सेव। अब देखिए सब में आंसर सेट करना, देखिए सब में एक नया ऑप्शन खुल गया आंसर की। अब इसका जो भी आंसर है, इसका जो भी आंसर है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए। अब आंसर सेट कीजिए, इसका आंसर क्या है, और एक क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलेगा, यहां से उसका हम पॉइंट भी तय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव पे 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, तो यहां से आप उसको टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पर 1 नंबर मिले, तो हमने यहां से 1 बढ़ा दिया। अगर 2 बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, हम 1 सेट करते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद डन। हर क्वेश्चन का आंसर सेट करना पड़ेगा, फिर आंसर की पे गए। इस तरह से क्या हुआ, हमने आंसर सेट कर लिया। अब देखिए क्या होगा, आंसर सेट होने के बाद अब हम लोग इसका आंसर देते हैं, हम लोग इसका आंसर देते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि ठीक है। ये सेव हो गया और ये मेरा क्वेश्चन खुला था। चलिए ठीक है, ये हम लोग, ये आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग खुद एग्जाम देते हैं। कुछ भी हो क्या बोलते हैं, इसको आप बिना भरे कंपलसरी है। इसका मतलब बिना भरे आप लोग इसको नहीं पढ़ सकते। ये स्टार मार्क लग गया यानी कि ये कंपलसरी है। जो भी है इसमें आप टिक कर लिया, जैसे मान लिया ये पुराना क्वेश्चन है ना, ये एडिट नहीं हुआ है, रुकिए 1 मिनट, दोबारा से उसको खोलते हैं। हमने उसमें एडिट किया था कुछ। चलिए इसको हम लोग बार भरते हैं, एक चीज दिखाना है 1 मिनट। इसलिए ये देखिए यहां दिख रहा है, 1 के साथ 1 पॉइंट है। फिर अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। देखिए ये यहाँ पे स्कोर भी दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे स्कोर दिख रहा है 3/3, क्योंकि हम लोग इसको सेट किए थे क्विजर टाइप, यानी कि क्विज में सेट किए थे कि आपको मार्क्स तुरंत दिख जाए एग्जाम सबमिट करने के बाद। लेकिन आप लोग के साथ क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि इसको हटा दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है, ये भी हटाने का ऑप्शन है। इसको कहाँ से हटाएंगे, जैसे ये मेरा फॉर्म है, चलिए ये एक चीज देखिए, ये मेरा फॉर्म है। उसके बाद अभी हमने इसको सबमिट किया ना, अभी हमने इसको एग्जाम दिया, तो देखिए यहाँ पर रिस्पांस दिख रहा है 1 पर्सन, रिस्पांस दिख रहा है 1 दिख रहा है यहाँ पे। हाँ यस मैम, हाँ सब लोग को, या फिर मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया यस है, मैम, नहीं दिख देख रहा है, पा रहे हैं, दिख रहा है। या बोर हो गए सब लोग देख देख के। नो कुछ मैम, नई चीजें है ना, इसलिए तो शायद बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आज टॉपिक चेंज कर दिए कि फिर वर्ड पे जाएंगे फिर वही बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। बीच बीच में कुछ कुछ अलग अलग भी तो आना चाहिए, इसलिए आज हमने टॉपिक चेंज किया। तो यहाँ दिख रहा होगा 1 रिस्पॉन्स। इसी तरह जब आप लोग एग्जाम देते हैं ना, 13 लोग या 14 लोग जो भी देते हैं, यहाँ पर आ जाता है काउंटिंग कितने लोगों ने एग्जाम दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना रिस्पांस आया है।
यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया है इसलिए एक ही दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे और भी रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पर दिखेगा। सुजोय ने बताया था कि एक लोगों का नाम कई बार आता आएगा, यहाँ पे भी आएगा। देखिए हम फिर से एग्जाम देंगे, फिर से आएगा, हम फिर से एग्जाम देते हैं, फिर से आएगा, इसलिए मैम आएगा। एक बार मेरा 3 बार आया था, बट मैं तो एक बार ही दिया था एग्जाम। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तब कॉपी पेस्ट में उन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया होगा, मतलब कंबाइंड रहता है ना, तो फिर हो सकता है नाम कॉपी पेस्ट करने में उन लोगों ने कुछ हो गड़बड़ किया हो। सकता है। हाँ क्योंकि कंबाइंड जाता है ना, रिस्पांस तो कंबाइंड रहता है, तो उसमें कॉपी पेस्ट अलग अलग करने के चक्कर में हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। अगर जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे 2-3 बार, वो नाम वहां पे नहीं दिखेगा रिस्पॉन्स में। तो हम लोग जैसे ये देखिए, हमने 2 बार एग्जाम दिया ना, इसका भी ऑप्शन है कि हम अगर नहीं चाहेंगे कि एक बंदा एक ही बार एग्जाम दे तो वो एक बार से ज्यादा एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो हम लोग इसको देखिए, हम लोग इसको सबमिट कर रहे हैं। हम लोग जैसे सबमिट करेंगे ना, ये मेरा जो मेरा पेपर है ना, ये देख लीजिए, रिस्पॉन्स 2, ये देखिए रिस्पॉन्स 2 यहाँ पे बढ़ गया। तो कितने लोगों ने, जो भी ब्रांच का नाम आ रहा है, कॉलेज का नाम आ रहा है, तो ये रिस्पॉन्स आ गया कि मतलब 2 जन ने एग्जाम दिया है, तो सेम एक ही नाम का। अब देखिए हम लोग इसको सेट कर देंगे ना, तो क्या होगा कि एक बार में एक ही बंदा एग्जाम दे पाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, सेटिंग में जाएंगे, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये है ना, ये देखिए इसको कर दीजिए, और ये कर दीजिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि एक बंदा एक बार से ज्यादा एग्जाम ना दे पाए। सेव, देख लीजिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एक नया ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा, ईमेल एड्रेस। अब बिना ईमेल एड्रेस भरे हुए ना हम एग्जाम दे सकते हैं, और देंगे तो दोबारा वो बोलेगा कि ऑलरेडी आपने वो सबमिट कर दिया है इसको, इसलिए ये नहीं लगाया जाता कि हो सकता है किसी ने गलती से सबमिट कर दिया हो, तो शायद उन, खैर अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए, अब लगाया जा सकता है ये ऑप्शन। इसके लिए सबको अपना ईमेल आईडी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, फिर इसमें भी स्टार मार्क है, ये कंपलसरी होता है, और इसको किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चलिए हम लोग फिर इस पे एग्जाम दे के देखते हैं, क्या फॉर्म मेरा चेंज हो गया ना, थोड़ा सा चेंज हुआ, तो बिना ईमेल आईडी के तो हम सबमिट भी नहीं कर सकते। ये तो मेरा स्कोर कार्ड दिखा रहा है, हम अपनी फॉर्म पे जाते हैं, ये मेरा फॉर्म है, यहाँ तीसरा रिस्पॉन्स मिला है, यहाँ 3 रिस्पॉन्स आ चुका है, ये देखिए 3 रिस्पॉन्स आ गया है। अब हम फिर से एग्जाम देना चाहेंगे ना, तो वो बोलेगा कि ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हैं, देखिए यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, से हम दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। कहाँ से कंट्रोल में ले सकते हैं, हम लोग उसको फॉर्म को अपने हिसाब से डिजाइन करके उसको यहाँ पे, हम लोग अगर ये ऑप्शन डाल दें, कौन सा ऑप्शन था ये, सेटिंग में जाके ये वाला ऑप्शन बस ऑन करना है, जैसे कलेक्ट ईमेल एड्रेस है ना, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा कि एक से ज्यादा फिर कोई पेपर नहीं दे पाएगा। आई बात समझ में सबको,
एक चीज और है, जैसे जब आप लोग एग्जाम देते हैं ना, तो आप लोग को स्कोर नहीं दिखता, और हम यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो मेरा स्कोर दिख रहा है, क्योंकि आप लोग के लिए हाइड किया रहता है, इसलिए हाइड कर दिया जाता है, क्योंकि एक तो ये क्विज नहीं है, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो, और हम लोगों ने कोई भी लिमिट नहीं लगाया है कि आप एक बार एग्जाम दे रहे हैं कि दो बार एग्जाम दे रहे हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे आपके आपको दिखा कि अरे मेरा नंबर तो कम है, तो फिर आप दोबारा एग्जाम दे देंगे, तो जनरली ये करके नहीं कर किया जाता। तो अगर हम लोग चाहें तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वही क्विजेज में ही रिस्पोंडेंट कैन सी क्या क्या दिख सकता है, मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, ये देख सकता है। तो इसको अगर हम लोग नहीं चाहते देखे तो इसको हम लोग ऐसे करके हटा देंगे, अगर हम हटा देंगे और सेव कर देंगे तो क्या होगा कि आपको फिर स्कोर नहीं दिखेगा, आपको स्कोर नहीं दिखेगा, आप लोग के टाइम में वही किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। अब इसके लिए तुमको फिर ईमेल एड्रेस भी, क्योंकि हम तो एग्जाम दोबारा दे नहीं सकते इसी फॉर्म पे, तो इसको हमको फिर हटा के देखना पड़ेगा। 1 मिनट, अब हम कुछ भी करें, कुछ भी कर दें, अब जैसे कि कुछ भी डाल दिया हमने अगर, तो हमको अपना स्कोर नहीं दिखेगा, हमको अपना स्कोर नहीं दिखेगा, देख लीजिए कहीं पे भी एग्जाम दे रहे हैं तो हमको अपना स्कोर नहीं दिख रहा है, कितने नंबर का एग्जाम है, कितने का क्या है, हमको अपना स्कोर नहीं दिख रहा, नहीं दिखा ना यहाँ पे एग्जाम, योर रिस्पॉन्ड हैज बीन रिकॉर्डेड बट आपका यहाँ पर एग्जाम नहीं दिखा, कि आपका क्या बोलते हैं, ये आपका जरूर फॉर्म दिख रहा है लेकिन कितना आपने मार्क्स पाया था वो नहीं दिखा, इसके पहले हमने उसको वो ऑन करके रखा था तो इसमें आपका कितना स्कोर कलेक्ट हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा था, इमिडिएट आपको रिजल्ट पता चल पा रहा था कि आपने आपका कितना स्कोर हुआ। इतना ऑप्शन तो क्लियर हो गया ना, इतनी चीजें क्लियर यस हुई, बाकियों के लिए भी है, इतनी यस सारी चीज मैम इतनी क्लियर हो गई ना। तो मेरे हिसाब से आप एक फॉर्म डिजाइन करना सीख गए मोटा मोटी, कैसे फॉर्म डिजाइन होगा, और ठीक है फिर इसको हम लोग आज यहीं पे छोड़ेंगे, इसलिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, और मतलब आप लोग का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, तो वो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं।